श्री कार्तिकेय शर्मा। ऑनरेबल चेयरमैन सर, थ्रू यू आई लाइक टू आस्क द ऑनरेबल क्वेश्चन नंबर वन प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर श्री कार्तिकेय शर्मा, सप्लीमेंट्री वन। थैंक यू चेयरमैन सर। So I'd like to ask the Honourable Minister if the Ministry is considering to take any steps to safeguard the rights and the interests of the passengers of airlines, just like the rights of airlines and airline crews are defined. As there have been many instances that have come to light where passengers are mistreated, and especially older people and people who are first-time flyers coming from rural areas. So in the name of safety and procedure, if the government and the ministry is planning... Be pointed, Honorable Minister. अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है उड़ान योजना पर, और आपके द्वारा मैं सदन को ये भी सूचित करना चाहता हूँ कि एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है कि आखिरी शहर तक हम नागर विमानन क्षेत्र को हम जोड़ पाएँ, और पूरे देश में बहुत विस्तार हुआ है। 517 रूट्स वर्तमान में प्रचलित हैं, और इस उड़ान योजना की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हम देख सकते हैं। एक नया उड़ान का सफ़र मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कल के दिवस में भी हो पाया है, और इस सफ़र को हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे भी ले जाएंगे दूसरे राज्यों में, इसका विश्वास भी हम सदन को देना चाहते हैं। जहाँ तक प्रश्न कार्तिकेय जी ने आज इस सदन में पूछा है, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ नागर विमानन मंत्रालय से कि सेफ्टी और सिक्योरिटी हमारे मंत्रालय की प्राथमिकता है। सिक्योरिटी के लिए हमारी संस्था बीकैस, ब्यूरो सिविल एविएशन सिक्योरिटी, अपनी तगड़ी निगरानी सारे एयरपोर्ट्स पर रखती है, और सेफ्टी के लिए DGCA जो हमारी संस्था है, हर एक एयरलाइन और हर एक एयरपोर्ट के लिए कार जो सिविल एविएशन रूल होते हैं उसे इशू करती है, ताकि हमारे यात्रियों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी और उनकी सुगमता का पूर्ण ध्यान रखा जाए। जो मुद्दा उन्हें उठाया है, कोई भी मिसट्रीटमेंट किसी भी पैसेंजर के साथ होगा, जिसकी सूचना मंत्रालय को मिलती है, फौरन उस एयरलाइन या उस एयरपोर्ट दोनों को सूचित किया जाता है, जवाब लिया जाता है, और जहां कोई भी एयरलाइन या एयरपोर्ट दोषी पाया जाए, पेनल्टी मंत्रालय के द्वारा पूर्ण रूप से फिक्स की जाती है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री कार्तिकेय शर्मा। थैंक यू चेयरमैन सर। थ्रू यू आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर वेदर द मिनिस्ट्री हैज कंसिडर्ड ओपनिंग ऑफ और इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री गिवन द इंक्रीज इन डिमांड इन द एविएशन सेक्टर। ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कार्तिकेय जी ने उठाया है। हमारा नागर विमानन क्षेत्र की विस्तारता आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस देश में 65 वर्षों में केवल 74 एयरपोर्ट थे, आज 149 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटरड्रोम प्रचलित हो पा रहे हैं। हमने इस संख्या को दुगना से ज़्यादा कर दिया है 9.5 वर्षों में, और हमारी प्राथमिकता है कि इसे हम आगे जाके बढ़ाएं। हमारे एयरलाइंस की भी पूर्ण क्षमता आगे बढ़ने वाली है। एयर इंडिया ने 470 प्लेन की ऑर्डर डाली है, इंडिगो ने 500 प्लेन्स की ऑर्डर डाली है, और आने वाले दिनों में इस क्षेत्र को एक बैकबोन आवागमन के क्षेत्र में पूरे देश का हम बनाने वाले हैं। ये विश्वास मैं सदन में आपके द्वारा मैं देना चाहता हूँ। सत्य, सटीक, बेबाक।